इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंडियन अलायंस को कामयाबी दे रहा है। आप खुद देखिए, आप भी तो इंसान हैं, उनकी तकरीरें सुनिए। क्या हम इन्फिल्ट्रेटर्स हैं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हमने इस वतन के लिए कुर्बानियां नहीं दी हैं? क्या हमने आज़ादी के दान नहीं लड़ी? क्या इन्होंने लड़ी? इन्होंने तो लड़ी ही नहीं। जंग संघ जो था वो बिल्कुल अंग्रेज़ों का एक बाजू था। वो तो अंग्रेज़ों से यही कहते थे कि आप ही यहाँ राज करिए, हम इनके साथ नहीं हैं जो आपके खिलाफ है। क्या इसमें कोई झूठ है? ये सच्चाई है। मेरा आशिक डॉक्टर साहब, जो अभी फिलहाल जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां कहाँ पे गाट में, सब जगह बात बन रही है। इंशाल्लाह कैंडिडेट्स बन रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंडियन अलायंस मजबूत है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी बख्शेगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, जो जो जुमा जमाती को लेकर आपके हर एक रैली में कहा जा रहा है कि 370 जो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया, उसके लिए आपकी पार्टी काम करेगी। आपको उम्मीद है कि अगर इंडिया गठबंधन आता है 370 की वापसी की उम्मीद है? पहले सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेटहुड बहाल हो। जब स्टेटहुड बहाल होगा उसके बाद वो तकरीबें भी चलेंगी। शुक्रिया।